हेलो एवरीवन, इंग्लिश फॉर यू चैनल की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और सीरीज चल रही थी हमारी हिस्ट्री एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय विलियम हेनरी हडसन। ठीक है, देखिए ऐसी ऑथेंटिक बुक है, एग्जामिनर जिसको कंसीडर करता है अगर एज के बारे में क्वेश्चन उसको डालने हैं, लिटरेरी पीरियड के बारे में अगर उसको क्वेश्चन सेलेक्ट करके डालने हैं, और अक्सर एग्जाम में आते ही हैं, या पर्टिकुलर ऑथर के बारे में क्या कमेंट किया गया है, वो सब क्वेश्चन ऐसी ऑथेंटिक बुक से लिए जाते हैं। फिर जो ऑप्शंस होंगे उनको कैसे भी घुमा के रख देंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपने थ्योरी को इस बुक से समझा है। तो इसके हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। और आगे के 2 चैप्टर को भी हम फिनिश कर लेते हैं। टीजीटी पर्पज से हमने कुछ 4 से 5 चैप्टर सेलेक्ट किए थे, जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर है द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, फिर एज ऑफ शेक्सपियर वर्ष की है, फिर उसके बाद एज ऑफ शेक्सपियर ड्रामा की एज है, और एज ऑफ शेक्सपियर प्रोज, यहाँ से बहुत कुछ बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर उसके बाद हमने एज ऑफ मिल्टन, हम चल रहे हैं तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसको आज फिनिश कर लेते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मिल्टन की अर्ली पोएट्रीज के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। इससे प्रीवियस उनकी पर्सनल लाइफ स्पैन और घटनाएं हम पढ़ चुके थे। तो मिल्टन की अर्ली पोएट्रीज, यहाँ से क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन आता है। तो मिल्टन के वर्क्स को जो है नेचुरली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द कॉलेज पीरियड, या उसको कह सकते हैं जो खत्म हो जाते हैं उनके कैम्ब्रिज में, जो उनका करियर था जब उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली 1632, तो यहाँ तक के जो पीरियड है इसमें अर्ली पोएट्रीज उन्होंने लिखी, जैसे कि ओड टू द क्रिस्ट नेटिविटी लिखी थी, और कुछ लेटिन एलजीज उन्होंने यहाँ पे लिखी। सेकेंड जो पीरियड आता है उनका होर्टन पीरियड, अपने फादर के साथ वो सेटल हो गए थे और उसके बाद कॉन्टिनेंट घूमने चले गए, तो यहाँ तक वो सेकेंड पीरियड माना जाता है। फिर उनका प्रोज पीरियड स्टार्ट होता है, जिसमें उन्होंने प्रोज वर्क लिखे और पॉलिटिकल जॉब्स कुछ उन्होंने की, सर्विस की। और लास्ट का जो पीरियड है द लेट पोएटिक पीरियड, और पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट का पीरियड इसको कहा जाता है। यहाँ से टर्म पूछे जा सकते हैं कि किस पीरियड को उनके ग्रेटेस्ट अचीवमेंट का पीरियड बोला जाता है, या होर्टन पीरियड का उनका टाइम ड्यूरेशन कब से कब तक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिज कॉलेज पोएम उन्होंने जो लिखी वो किस किस लैंग्वेज में लिखी थी, लेटिन और इंग्लिश में उन्होंने कुछ कॉलेज वर्क लिखे, पोएम्स लिखी है, एलजीज लिखी है, आर द मोस्ट सिंपली द यंग मैंस एक्सपेरिमेंटल वर्क। ये उनके क्या थे, एक एक्सपेरिमेंटल वर्क थे। आप इसको नोट कर लीजिएगा किस वर्क को एक्सपेरिमेंटल वर्क बोला गया है मिल्टन के। तो उनके जो कॉलेज टाइम में जो उन्होंने अपनी पोएम्स लिखी लेटिन और इंग्लिश में, इन्हीं को एक्सपेरिमेंटल वर्क बोला गया है ऑफ यंग मैन। काफी कम एज थी। एंड वाइल इंटरेस्टिंग इन द स्पेशल स्टूडेंट द एक्सप्रेशन ऑफ जीनियस ड्यूरिंग द इमेच्योरिटी, और इमेच्योरिटी का टाइम था, लेकिन एक जीनियसनेस को एक्सप्रेस कर रहे थे अपने इन वर्क के माध्यम से। ठीक है, फिर उनका जो स्पेशल वर्क यहाँ पे काउंट होता है वो होता है ओड। ये एक ओड है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी पर उन्होंने ये ओड लिखा था। तो ये इनका काफी पॉपुलर वर्क है। इसके बारे में क्या बताया गया है, इस प्लेस को रखा गया सैडली मार्ड बाय कंसीट्स, दो फार फ्रॉम परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं था, इसमें कंसीट का काफी यूज किया गया, और इनइक्वालिटी ऑफ स्टाइल है, लेकिन इन सब कमियों के बावजूद भी इसको क्या कहा जाता है, स्टिल अ वेरी रिमार्केबल प्रोडक्शन ऑफ द पोएट ऑफ 21। 21 साल की उम्र में, 21 की एज में, इन कुछ कमियों के बावजूद भी ये एक रिमार्केबल प्रोडक्शन था जॉन मिल्टन का एज द एज ऑफ 21। कौन सा वर्क के लिए रिमार्क दिया गया है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, जो ओड की फॉर्म में है। ठीक है, साथ साथ टू होर्टन पीरियड ऑन द अदर हैंड बिलोंग टू हिज माइनर पोएम, जो होर्टन पीरियड है जो सेकेंड फेज ऑफ पीरियड है उसमें कुछ माइनर पोएम्स है और उनकी संख्या लगभग 4 ही है। अगर वो उन्होंने नहीं भी लिखी होती, यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, इवन इफ पैराडाइज लोस्ट हैड नेवर बीन रिटन, अगर पैराडाइज लोस्ट नहीं भी लिखा जाता तो इनकी जो माइनर पोएम है होर्टन पीरियड में, दे वुड हैव सफिस वो सफिशियंट थी टू पुट देयर ऑथर हाई अमंग द ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ इंग्लिश सॉन्ग्स। इंग्लिश सॉन्ग्स लिखने वाले, इंग्लिश पोएट्री लिखने वाले जितने भी ग्रेटेस्ट पोएट है उसके अंदर फिर भी इंक्लूड हो जाते हैं अगर पैराडाइज लोस्ट ना भी लिखती। किसके लिए रिमार्क दिया गया है, उनकी जो होर्टन पीरियड में लिखी गई 4 माइनर पोएट्रीज है, वो कौन कौन सी पोएट्रीज है आइए उनको जान लेते हैं। एल एलिग्रो, इल पेंसरेसो, जो लगभग 1633 में लिखी गई है, वो सारी बुक्स इसको ईयर कंसीडर करती है 1632।
कुछ एक बार आयोग ने भी इसको 32 ही कंसीडर किया है, तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। यहाँ फिलहाल हर्षन जी ने 1633 बोला हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड। एल एलिग्रो, कोमस जो 1634 में लिखा गया, और लाइसिडस जो 1637 में लिखा गया, ये चार ऐसे वर्क है, अगर पैराडाइज लोस्ट ना भी लिखी जाती तो भी मिल्टन को ग्रेटेस्ट गोड्स ऑफ इंग्लिश सॉन्ग्स के लिए कंसीडर किया जाता। गोड्स मीन्स ऐसे पोएट जिन्होंने इंग्लिश के लिए बेस्ट पोएट्रीज लिखी है, तो भी उनके अंदर इसको कंक्लूड किया जाता। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इवन पूछा भी जा चुका है, तो इनके ईयर भी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ हम जान लेते हैं इनकी इस पोएट्री ने क्या शो किया। दिस ईयर ऑफ थॉटफुल लेज्योर प्रोफाउंड चेंज वॉज टेकिंग प्लेस इन द पोएट्स माइंड। इनका जो होल्टन पीरियड था वो एक फ्री फुर्सत का समय था, ये काफी स्टडी कर रहे थे, काफी एकांत में अपने विचारों को डेवलप कर रहे थे, और यही वो समय जहाँ पोएट्स का माइंड डेवलप हो रहा था। और मिल्टन के जो वर्क है उसमें जो मोरल और रिलीजियस इन्फ्लुएंस है उसकी स्टार्ट, रिलीजियन इन्फ्लुएंस जो प्यूरिटन का दिखाई देता है उसकी जो ब्लेंडिंग है वो यहीं से होती है, और उसमें किस चीज की ब्लेंडिंग है, रेनेसा की। मिल्टन एक प्यूरिटन थे जो चर्च के करप्शन के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे वर्क किए, उसको प्योर करना चाह रहे थे, प्यूरिटन्स वो रिफॉर्मेशन का एक पार्ट है। लेकिन रिफॉर्मेशन के साथ साथ उनके अंदर जो स्पिरिट थी वो रेंसा स्पिरिट भी थे, यहाँ पर पॉइंट मेंशन किया गया है। तो रेंसा का काफी इन्फ्लुएंस था उनके ऊपर, और उनकी पोएट्री में साफ साफ दिखता है द कल्चर ऑफ रेंसा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसे कौन से पोएट है जिसमें रेंसा और रिफॉर्मेशन दोनों की स्पिरिट इन्वॉल्व थी, उनके वर्क के अंदर इसका इन्फ्लुएंस आता है। तो जॉन मिल्टन ही है, कि उनकी अर्ली पोएट्रीज टोटली रेंसा को रिफ्लेक्ट करती है, और उसके बाद वो प्यूरिटनिज्म को मीन्स रिफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करने लगती है। दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। सो इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट विच गेव डिस्टिंक्टिव क्वालिटी टू हिज ग्रेटेस्ट पोएट्री। यही वो एलिमेंट है जिन्होंने डिस्टिंक्टिव फीचर, एक विशेष गुण उनकी पोएट्री को दिया है। बट फ्रॉम हिज अर्लियर पोएट्री वी नाउ लर्न दैट ही बिगेन टू राइट चीफली अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ लर्निंग एंड आर्ट ऑफ रेंसा। अर्ली पोएट्री से ये रिफ्लेक्ट होता है कि उन्होंने जो लिखना स्टार्ट किया उसकी लर्निंग और आर्ट पर किसका इन्फ्लुएंस था, रेंसा का ही इन्फ्लुएंस था, जो एलिजाबेथन एज में इटली से मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, और पुरानी चीजों का रिवाइवल करना, रिवर्थ करना, वही सारा इन्फ्लुएंस इनके अर्ली पोएट्रीज में टोटली रिफ्लेक्ट होता है। दैट द प्यूरिटन एलिमेंट वॉज एट फर्स्ट क्वाइट सबोर्डिनेट। और जो प्यूरिटन एलिमेंट थे वो एक छोटे हिस्से के रूप में, सपोर्ट के रूप में उनके वर्क में दिखाई देते थे, मेजर में रेनेसा ही रिफ्लेक्ट कर रहा था। और वो सबोर्डिनेट पॉइंट जो उनका प्यूरिटन का था वो धीरे धीरे उनकी ताकत बनता चला गया, गहराई में होता चला गया, और एट लास्ट इट डोमिनेंट एलिमेंट, और लास्ट के करियर में आकर वो एक डोमिनेंट एलिमेंट इनकी पोएट्री का बन गया। मीन्स बाद के जितने भी वर्क है उसमें जो मास्टर एलिमेंट है वो प्यूरिटनिज्म है, चर्च सिस्टम और रिलीजन के लिए ही उन्होंने, कोज के लिए ही उन्होंने लिखा है। इस तरह से हम कहेंगे द एल एलिग्रो एंड इल पेंसरेसो। यहाँ पर एक फैक्ट आ जाता है, नोट कर लीजिएगा, विद देयर चार्मिंग कंट्रास्ट पिक्चर ऑफ मैन नेचर। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, मैन को रिप्रेजेंट करती है, जो रेंसा का एक फीचर है, नेचर को रेंसा का एक फीचर है, एंड आर्ट सीन थ्रू द मीडियम ऑफ मूड, और मूड के माध्यम से उन सब मीडियम्स को वो दिखाता है। तो मूड को ही रिप्रेजेंट किया, मैन को रिप्रेजेंट किया, नेचर को रिप्रेजेंट किया है, तो ये सारे फीचर रेंसा के हैं। तो एल एलिग्रो एंड इल पेंसरो में टोटल रेंसा इन्फ्लुएंस है। इन वन ही केस ऑफ ग्लैडनेस, एल एलिग्रो में ग्लैडनेस हैप्पी मूड को रिप्रेजेंट किया गया है, और इल पेंसरेसो में एक मेलनकोलिक मूड को रिप्रेजेंट किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। पेंसरेसो में मेलनकोलिक मूड को दिखाया गया है, और एल एलिग्रो में ग्लैडनेस हैप्पी मूड को दिखाया गया है। तो मूड, पर्सन, नेचर, इन एलिमेंट्स का जो रिफ्लेक्शन है ये किस चीज के इन्फ्लुएंस को शो करता है, ये क्वेश्चन अगर आप आ जाए तो प्यूरिटनिज्म को या रेनेसा को, इन वर्क में रेनेसा का इन्फ्लुएंस है। यही पॉइंट यहाँ पर हर्सन जी ने एक्सप्लेन किया है। इन अदर देर इज ए लिटिल एंड कैरेक्टरिस्टिकली प्यूरिटन, बहुत थोड़ा सा प्यूरिटनिज्म मूवमेंट उसमें दिखाई देती है, और इसको हम कहेंगे अ गुड डील दैट इज रियली अनप्यूरिटन। इन दोनों वर्क को ही अनप्यूरिटन वर्क की कैटेगरी में रखा गया है, और यहाँ तक के जितने भी वर्क है वो सब रेंसा से इन्फ्लुएंस्ड है। अगर ये क्वेश्चन, ये पॉइंट अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए तो हाउ विल यू हैंडल, कि किन वर्क्स को अनप्यूरिटन वर्क कंसीडर किया जाता है। हम बुक्स में पढ़ लेते हैं कि मिल्टन वाज अ प्यूरिटन,
प्यूरिटन, और उनके जितने भी वर्क है वो प्यूरिटन कोज के लिए है, रिफॉर्मेशन के लिए है, लेकिन यहाँ तक के वर्क एल एलिग्रो एल एल फेंसरोस अनप्यूरिटन है, वो टोटली रेंसा से इंस्पायर है। अब यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि पोएट जो जहाँ रह रहे थे वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट था, कंट्री साइड था, गांव देहात था, वहां पर वो नेचर को, रोमांस को, रस्टिक स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रहे थे, साथ साथ प्ले हाउस ड्रामा को देख रहे थे, ग्रीक ड्रामा, इन सब चीज को सीख रहे थे, एंड द ब्यूटी ऑफ चर्च एंड आर्किटेक्चर, और साथ साथ म्यूजिक को वो फोकस कर रहे थे। कुछ एक्टिविटी जो उस समय सीख रहे थे, देख रहे थे, जान रहे थे, वो क्या थी, ग्रीक ड्रामा था, म्यूजिक था, प्ले हाउस कल्चर थी, और रस्टिक स्पोर्ट्स, इन सब चीजों में अपना समय बिताते थे, और स्टडी में होटन पीरियड में। तो एल एलिग्रो एल स्पेंसरसो के बाद उनका जो मेजर वर्क था वो कॉमर्स था, और कॉमर्स वाज अ डिस्टिंक्ट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ मिल्टन माइंस। एक अलग ही डेवलपमेंट यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है उनके माइंड में। दस बार द ओनली प्यूरिटन स्पिरिट नाउ मेक्स इट इन्फ्लुएंस। अब इनके वर्क में क्या है, धीरे धीरे प्यूरिटन स्पिरिट रिफ्लेक्ट होने लगी, और वो साफ इनके वर्क में दिखाई देता है। कैसे, ऑन द लिटरेरी साइड दिस वर्क इज टू बिलोंग टू रेंसा। अगर लिटरेचर के एंगल से देखे तो, लिटरेरी साइड से देखे तो ये रेंसा से बिलोंग करता है, फॉर इट्स एग्जाम्पल, कैसे फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आवर लिटरेचर है, और दैट टाइप ऑफ ड्रामा, ऐसा ड्रामा है विच कॉल्ड द मास, जिसको मास्क बोला जाता था, बोला गया है, और जो इटली से लाया गया था। यहाँ मास्क के बारे में कुछ फीचर है कि उन्होंने मास्क के कॉमर्स, एक जो मास्क है जिसको इटली से लाया गया, और उस समय ये प्रोमिनेंट चल रहा था कोर्ट एंटरटेनमेंट के लिए, और यहाँ पर उनके फीचर आने स्टार्ट हो गए कि प्यूरिटनिज्म के लिए एक्सट्रीमली पॉपुलर एट कोर्ट में, काफी पॉपुलर थे, दैट मिल्टन शुड बी विलिंग टू अडोप्ट इट, प्रूफ दैट ही वॉज स्टिल फार फ्रॉम शेयरिंग द इंटेंस हॉस्टिलिटी ऑफ प्यूरिटन पार्टी। वो अपनी पूरी इंटेंस गहराई से अपनी हॉस्टिलिटी को, अपनी जो गुस्सा था रिफॉर्मेशन को लेकर, कि रिफॉर्मेशन होना चाहिए, उसको पूरी तरह से नहीं दिखा पाए, बट तो ही रोट इन द फॉर्म ऑफ रेंसा आर्ट। कॉमर्स को भी उसने किस फॉर्म में लिखा, अगर फॉर्म की बात करें तो रेंसा था, लेकिन फिल्ड थी विद द स्टर्नेस मोरल स्पिरिट एंड मीनिंग। उसमें मोरल स्पिरिट और पूरे मीनिंग की बात की है। इसकी पूरी कहानी हमने किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस की, आप चैनल पर देख सकते हैं, द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। तो कॉमर्स की पूरी कहानी है, डिवाइन लेडी के बारे में है, वी सी द स्ट्रीम इन्फ्लुएंस विच मिल्टन्स जीनियस वॉज फेड रनिंग टूगेदर विद नोट, वाइल द ड्रामा इज लोडेड विद क्लासिकल लर्निंग। क्लासिकल एलिमेंट यहाँ पर जरूर रिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन फॉर्म के अकॉर्डिंग ये एक रेंसा वर्क ही था। फाइनली जिनका फोर्थ मेजर वर्क था जो होटल पीरियड में था, वो था लाइसिटस, वी हैव प्यूरिटनिज्म विच इज पॉलिटिकल एंड एक्लिसियास्टिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल एंड एथिकल। ये पॉइंट नोट करने वाले हैं कि लेसिडस जो एक तरह से पूरी तरह से प्यूरिटनिज्म को रिफ्लेक्ट करता है, ऐसा वर्क था, उसने वहां के सिस्टम को इस वर्क में कमेंट किया है, टारगेट किया है, जो एक पॉलिटिकल एंड एक्लिसियास्टिकल दोनों ही है, स्पिरिचुअल और एथिकल दोनों तरह से। ये एक मोनोडी है, पेस्टोरल एनालॉजी है, लेकिन अगर ऑप्शन में मोनोडी होगा तो आपको मोनोडी पर टिक करना होगा। इस टर्म के बारे में एक वीडियो बनाई जा चुकी है, तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो ये एक मोनोडी है, ऑन द डेथ ऑफ मिल्टन कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग की लाइफ पर बनाए, बिल्कुल ऐसी है जैसे स्पेंसर ने लिखी है एस्ट्रोफेल फिलिप सिडनी की डेथ पर। इट बिलोंग्स विद कॉमर्स टू द रेंसा, देयर फोर इन फॉर्म की अगर बात करें, कॉमर्स की तरह फॉर्म में रेंसा है, बट इन रिलीजियस एक्सेंट, अगर रिलीजियस एक्सेंट की बात करें थ्रू आउट द अनमिस्टेकिंगली, ये एक तरह से पूरा प्यूरिटिन वर्क है। वाइल इट्स फेमस अटैक ओपन द करंट, किस पर अटैक किया उन्होंने, करप्ट चर्च सिस्टम पर और हर्लिंग्स एलर्जी पर। हर्लिंग्स क्या होता है, जब कोई आदमी सर्विस के लिए चर्च सेवा में जाता है, और वो चर्च सर्विस में नहीं, केवल अपना करियर बनाने के लिए चर्च की सर्विस को चुनता है, पैसा कमाने के लिए, जॉब के लिए चर्च की सर्विस को चुनता है, तो उसको हर्लिंग्स बोलते हैं। तो वो उसके खिलाफ थे, इसको खत्म करना चाह रहे थे, तो करप्ट सिस्टम और हर्लिंग एलर्जी पर उन्होंने कमेंट किया है अपने वर्क लेसिडस में। ये पॉइंट याद रखने वाले, उनकी डेथ पर तो उन्होंने लिखा है, मोनोरी तो ये है, लेकिन उन्होंने टारगेट किसको किया है, जो वहां का करप्ट सिस्टम है, चर्च सिस्टम, साथ साथ हर्लिंग्स एलर्जी है। जब चर्च की सर्विस में आप करियर बनाने के लिए, जॉब पाने के लिए जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व है, तो वहां से करप्शन स्टार्ट हो जाता है, उन सब चीजों को उन्होंने टारगेट किया है। तो एक तरह से पूरी तरह प्यूरिटन वर्क है, ऑफ द टाइम ओपनली प्रोक्लेम्स मिल्टन्स अडेरेंस टू द प्यूरिटन कोज, जो रिफॉर्मेशन के लिए जो उनका पर्पज था रिफॉर्म लाना, वो प्यूरिटन कोज कहलाया, उसी के लिए उन्होंने इस वर्क को डेडिकेट किया है।
थ्रू दीज अर्लियर पोएम्स, उनकी इन अर्लियर पोएम के माध्यम से वी कैन ट्रेस हिस्टोरिक ग्रोथ ऑफ रिलीजियस एलिमेंट उनके अंदर डेवलप होने लगे मिल्टन के माइंड में, और जो उनके बाद के वर्क में दिखने लगा। द लर्निंग एंड द आर्ट ऑफ रेंसा वॉज नॉट अबेंडन बाई हिम, वो रुक नहीं सकी रेंसा, द लर्निंग एंड द आर्ट ऑफ रेंसा वर नॉट अबेंडन, वो रोकी नहीं गई बाई हिम उसके द्वारा, और वो रिलीजियस एलिमेंट उनके अंदर स्टार्ट हो गए जो उनके बाद के वर्क में दिखाई देने लगे। देन उनका जो थर्ड पीरियड स्टार्ट होता है 1642-1660, जो उनका प्रोज वर्क है, तो उसके बारे में यहाँ बहुत ज्यादा नहीं लिखा है। एक बार एट द एज ऑफ 31 ही स्टार्टेड टू राइटिंग प्रोज वर्क, और यहाँ हडसन जी ने बहुत कुछ उनके मेंशन नहीं किया, सिवाय एक वर्क है उनका जो स्टाइल था वो हैवी था, कंबरसम था, और हिमसेल्फ सेड। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लीजिए, मिल्टन ने खुद कहा है कि जितने भी उनके प्रोज वर्क है वो तो उसके लेफ्ट हैंड के वर्क है। लेफ्ट हैंड मीन्स बहुत आसान है उनको लिखना, और उसके लिए बहुत कोई बहुत बड़ी काम नहीं थी। वी कैन लर्न फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी पेज दैट हिज लेफ्ट हैंड डिड नॉट पोजेस द कनिंग ऑफ हिज राइट, उसका राइट हैंड जितना कनिंग था, मीन्स जितना एक्सपर्ट था, अगर बात करते हैं लाइसिडस की, कॉमस की, या पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन, कितनी सफाई से इतने एक मास्टर वर्क दिए हैं, तो ये प्रोज वर्क तो उसके लेफ्ट हैंड के वर्क के बराबर है। तो ये उनका खुद का रिमार्क है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। क्या फीचर थे उनके प्रोज वर्क के, लॉन्ग ट्रेलिंग सेंटेंसेस थे, तो इन्वॉल्व करते थे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, पैरेंथेसिस, बीच में कोमा लगा के काफी वर्ड को यूज करना, और लेटिन इन्वर्जन उसमें यूज किए गए थे, और बहुत सारे फैक्ट को उसमें यूज किया था। तो भारी भरकम लैंग्वेज के साथ वो इस प्रोज वर्क को किए थे, जो खुद मानते हैं कि तो मेरा लेफ्ट हैंड का वर्क है। तो एम एच अब्राम ने यहाँ पर, सॉरी एम एच अब्राम याद आ रहा है, हर्सन जी ने यहाँ पर केवल एरोपेजिटेका के बारे में लिखा है कि डायरेक्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ पार्लियामेंट विच वॉज एस्टेब्लिश सेंसरशिप ऑफ, प्रिंटिंग के लिए जो सेंसरशिप लगाई गई थी वहां पर 1643 में, उस ऑर्डर के खिलाफ उन्होंने एरोपेजिटेका का वर्क लिखा, और बहुत सारे वर्क लिखे, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई जा चुकी है। फिलहाल हम हर्सन से हिस्ट्री क्लियर कर रहे हैं। तो मिल्टन की लेटर पोएट्री की बात करते हैं, इट वॉज नॉट टिल द रेस्टोरेशन, मोनार्की वापस आ गई थी 1660 में, वो एक प्राइवेट लाइफ बिता रहे थे जहाँ वो अकेले थे, अंधे थे, और अपना एकांत समय दे रहे थे, अपने थॉट्स को डेवलप कर रहे थे। तो अब बात आती है पैराडाइज लोस्ट, ही प्रोड्यूस आवर ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएम। पैराडाइज लोस्ट को कहाँ कंसिडर किया जाता है, अ प्रोडक्शन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएम, इट इज इन द स्टडी ऑफ द स्टेपेंडियस मास्टरपीस ऑफ इंटेलेक्चुअल एनर्जी एंड क्रिएटिव पावर दैट फुल सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी इन हिज वर्क विच वी हैव स्पोकन बिकम अपेरेंट। उनकी जितनी भी क्वालिटी जिसकी हमने बात की थी अर्ली पोएट्रीज में, प्यूरिटनिज्म में, और जो उनके मास्टर वर्क थे, वो सब स्पिरिट इसके अंदर दिखाई देती है। ठीक है, तो पैराडाइज लोस्ट इज रिटन एज एन एक्सपोजिशन ऑफ हिज थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या होता है कि रिलीजन और गॉड के बारे में आपके जो विचार है, जो उनका अध्ययन है, जो जितनी भी नॉलेज है, वो थॉट्स है, उसी का एक्सपोजिशन, उसी को एक्सप्रेस किया है उन्होंने पैराडाइज लोस्ट में। ठीक है, अपॉन द फाउंडेशन दैट द थियोलॉजी इज अंडरटेक्स टू एसर्ट एटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यही इसका सब्जेक्ट था, एटर्नल प्रोविडेंस, और जस्टिफाई करता है गॉड के एक्शन को टू द मैन, मनुष्य को। बट इट एज ए थिंकर एंड मोरलिस्ट ही नाउ बिलोंग टू कंप्लीटली टू प्यूरिटनिज्म, एज ए थिंकर और मोरलिस्ट, अब वो पूरी तरह से प्यूरिटनिज्म थे, चर्च सिस्टम में रिफॉर्म लाना चाह रहे थे, और रिफॉर्मेशन के वो सब चीज लिख रहे थे। और एज एन आर्टिस्ट ही हैड नॉट सीज्ड, अभी उन्होंने बंद नहीं किया टू बिलोंग टू रेंसा, आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने रेंसा के इन्फ्लुएंस को बंद नहीं किया, लेकिन मोरलिस्ट और थिंकर विचार से वो एक तरह से पूरी तरह से रिफॉर्मेशन या पुरिटनिज्म को रिफ्लेक्ट करते थे। इन इट्स फॉर्म, अगर फॉर्म की बात करें, इन स्टाइल एंड और इस मशीनरी और मेथड की बात करें, पोएम वर टेक अस बैक टू मिल्टन्स अवॉर्ड मॉडल्स ग्रेट एपिक ऑफ क्लासिकल एंटिक। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट है आप इसको नोट कर लीजिए, ये उनके थियोलॉजिकल व्यूज को एक्सप्रेस करता है, और उसकी सब्जेक्टिविटी क्या है, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये इसका सब्जेक्ट है। एज ए थिंकर वो एक प्यूरिटनिस्ट थे, मोरलिस्ट, और एज एन आर्टिस्ट वो एक रेंसा को रिफ्लेक्ट करते हैं। पैराडाइज लोस्ट की फॉर्म की बात करें और स्टाइल की बात करें, इसकी मशीनरी की बात करें, मेथड की बात करें, तो इसमें सबसे क्लासिकल एंटिक्विटी का उन्होंने यूज किया, क्लासिकल मॉडल को उन्होंने फॉलो किया है। ठीक है,
वो रिकॉल करते हैं अपने उस अर्ली और हैप्पी डेज को। और प्यूरिटन इन मिल्टन वाज नॉट किल्ड द ह्यूमेनिस्ट। प्यूरिटन ने मिल्टन के अंदर जो एक फीचर है रेनिसा का ह्यूमेनिस्ट, उसको अभी नहीं मारा था। वो उसकी उत्साह उनके अंदर दिखाई देता है। दैट मिल्टन शुड हैव रिटन द ग्रेटेस्ट रेगुलर एपिक पोएम इन एनी मॉडर्न लिटरेचर एंड शुड हैव येट रिटन इट नॉट अ क्लासिकल बट ऑन अ थियोलॉजिकल सब्जेक्ट। अगर वो किसी मॉडर्न लिटरेचर पर भी ये टॉपिक पर भी ये लिखते तो भी इतना पॉपुलर होता, लेकिन उन्होंने थियोलॉजिकल सब्जेक्ट पर इसको लिखा और एज ए व्हीकल टू क्रिश्चियन टीचिंग, एक व्हीकल के रूप में पैराडाइज लॉस्ट को लिखा है उन्होंने कि कैसे क्रिश्चियन क्रिश्चियन टीचिंग वो उनके वैल्यूज को, उनके मॉरल्स को, उनके टीचिंग्स को पब्लिक तक ला सकते हैं। तो वो पैराडाइज लॉस्ट के माध्यम से उन्होंने लिखा, ठीक है। तो उन्होंने बाइबल बाइबलिकल थीम पर ये चीज लिखी है, क्लासिकल मॉडल पर बेस बनाते हुए। पैराडाइज लॉस्ट रिवोल्ट है सैटन का अगेंस्ट द गॉड। यहाँ पर कुछ पॉइंट उन्होंने कहे हैं, साथ साथ रिबेल एंजल्स इसमें है, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड एंड मैन की इसमें बात की गई है, टेम्पटेशन ऑफ ईव एंड एडम कि वो कैसे टेम्प किया सैटन ने और कैसे उन्हें एडन से, गार्डन ऑफ एडन से निकाल दिया गया। और जो सेंट्रल पर्पज तो वही था, मैन फर्स्ट डिसोबीडेंस, मनुष्य की पहली गलती और जिसके कारण उनकी लाइफ में सिन एंड डेथ आ जाते हैं। ये पूरी कहानी पैराडाइज लॉस्ट की है। और वो इंट्रोड्यूस करते हैं द डिवाइन वर्क ऑफ रिडेम्पशन। दो इन दिस वे ही हैड एपेरेंटली कंप्लीटेड हिज ओरिजिनल स्कीम, जो उनकी ओरिजिनल स्कीम थी एक बड़ा एपिक लिखना और उसमें क्रिश्चियन थीम को बिब्लिकल थीम पर इस चीज को प्रेजेंट करना, वो उनकी स्कीम पूरी हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इसका एक सीक्वल लिखा जो फोर बुक्स में था, प्रोवाइडेड बाय द टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट इन विल्डरनेस। यही इसकी थीम थी पैराडाइज रिगेन की, क्या द टेम्पटेशन ऑफ क्रिस्ट इन विल्डरनेस। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेन, जो एक सीक्वल है पैराडाइज लॉस्ट का, जो चार बुक में लिखा गया। पैराडाइज रिगेन सीम्स टू बी मोस्ट मॉडर्न रीडर एज अ वेरी स्लाइस। मॉडर्न जो रीडर है उनको ये बहुत छोटा लगता है, क्यों? क्योंकि उससे पहले जो वर्क आया था पैराडाइज लॉस्ट वो एक जाइगेंटिक है, विशाल है, 12 बुक में था। साथ साथ उनका एक वर्क आया था ड्रामेटिक पोएम सैमसन अगोनिस्ट, सैमसन द रेसलर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सब टाइटल था इसका सैमसन अगोनिस्ट सैमसन द रेसलर, तो पैराडाइज रिगेन के साथ ही पब्लिश हुआ। क्राउंस द लेबर ऑफ दिस क्लोजिंग ईयर, ये उनके इस क्लोजिंग ईयर की मेहनत को रिफ्लेक्ट करता है। पैराडाइज लॉस्ट मिंटल अप्लाइज द फॉर्म ऑफ क्लासिकल आर्ट अप्लाई किया उन्होंने, और ट्रीटमेंट जो है वो बिब्लिकल सब्जेक्ट ही, सब पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं, ग्रीक ट्रेजेडी पर बेस्ड है। कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिल्टनिक पोएट्री। यहाँ पर कुछ फैक्ट ऐसे हैं, स्टेटमेंट है जो एग्जाम में आ चुके आ सकते हैं। आफ्टर शेक्सपियर मिल्टन इज ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट। शेक्सपियर के बाद मिल्टन कौन है इंग्लिश के ग्रेटेस्ट पोएट है, ये पॉइंट पूछा जा चुका है। विच मीन्स ही इज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट आउटसाइड द ड्रामा। अगर शेक्सपियर के ड्रामा को हटा दे तो सबसे इंग्लिश में ग्रेटेस्ट पोएट कौन रह जाएंगे? ऑफ कोर्स जॉन मिल्टन। शेक्सपियर की जो पॉपुलैरिटी है वो ड्रामा की वजह से है, तो इसीलिए शेक्सपियर के बाद मिल्टन को रखा जाता है। लेकिन अगर ड्रामा को आउटसाइड द ड्रामा की बात करें तो मिल्टन इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पर इस पॉइंट की बात की गई है। इन द मोस्ट एनानिमस जजमेंट ऑफ द क्रिटिक, क्रिटिक की जो अगर एक रूप में अगर उनको देखे, ही इज टू बी रिगार्डेड एज वन ऑफ द थ्री और फोर सुप्रीम पोएट ऑफ द वर्ल्ड। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर क्रिटिक्स के सभी विचारों को इकट्ठा करते और उसका एक निष्कर्ष निकाले तो ही इज टू बी रिगार्डेड, उसको रिगार्ड किया जाना चाहिए एज वन ऑफ द थ्री और फोर, तीन या चार में से एक है वो जो वर्ल्ड के बेस्ट पोएट है। वर्ल्ड की बात की है, यहाँ ब्रिटेन की बात नहीं की है, तो उनको कितना हाई पोजीशन दी गई है। द यूनियन ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर एंड क्रिएटिव पावर बोथ देयर हाईएस्ट। उनकी जो क्वालिटी थी, यूनियन ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर, उनके पास बौद्धिक शक्ति थी, साथ साथ क्रिएटिव पावर, सृजन शक्ति थी कि वो कैसे नए वर्क को कर लेते थे। उन्होंने जो ब्लैंक वर्ड्स का यूज किया है, पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, पैराडाइज रिगेन लिखा है, तो एक क्रिएशन क्रिएटिविटी उन्होंने रिफ्लेक्ट की है और अपने इंटेलिजेंस को भी रिफ्लेक्ट किया, ये पावर उनके पास थी। मिल्टन की सब्लिमिटी फेमस है काफी। इंग्लिश ही इज द मोस्ट सब्लाइम ऑफ इंग्लिश पोएट, जितने भी इंग्लिश पोएट है उसमें उनको सबसे ज्यादा सब्लाइम पोएट की कैटेगरी में रखा गया है। एंड वन एक्नोलेज मास्टर ऑफ व्हाट मैथ्यू अर्नोल्ड कॉल्ड, मैथ्यू अर्नोल्ड को क्या हुआ है, एक्नोलेज मास्टर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर।
साथ साथ उनको एक रिमार्क दिया है, द ग्राइंड स्टाइल जो उन्होंने यूज किया पैराडाइज लॉस्ट में, उनको ऊपर काफी अच्छे रिमार्क किया, तो ही यूज अ ग्रैंड स्टाइल, एलिवेटेड लैंग्वेज, एलिबोरेटेड लैंग्वेज, एपिक सिमिलीज का इसमें यूज किया जाना, सो दिस इज कॉल्ड ग्रैंड स्टाइल, इसको पूरा डिफाइन किया मैथ्यू अर्नोल्ड ने। सो दिस आर द फीचर्स एंड कमेंट्स ऑन जॉन मिल्टन। व्हाट एल्स वी हैव, देयर इज एन इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी ऑफ एवरीथिंग ही राइट्स विच इज सिंगुलरली इम्प्रेसिव। उन्होंने जितना भी वर्क लिखे है उसमें एक इंडिविजुअल इंडिविजुअलिटी पर फोकस रखा है, हर एक चीज में सिंगुलरिटी में वे में इसको इम्प्रेस किया है। एंड देन दैट वी आर इंडीड इन प्रेजेंस ऑफ वन हू सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्थ अपार्ट। क्या बता सकते हैं आप ये लाइन किसने लिखी है मिल्टन के बारे में? अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पर एक फीचर आ जाता है इनके ब्लैंक वर्स का, ब्लैंक वर्स की इन्वेंशन अर्ल ऑफ सर्रे ने की थी, लेकिन उसको क्रैक किया मार्लो ने और पॉपुलराइज किया विलियम शेक्सपियर ने, लेकिन ड्रामा से बाहर उसको अगर किसी ने परफेक्टली यूज किया है उसका क्रेडिट टोटली किसको जाता है? जॉन मिल्टन को। तो यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है, इट हैड नॉट दस फार बीन अडॉप्टेड फॉर एनी इंपॉर्टेंट नॉन ड्रामेटिक पोएम, के लिए कभी यूज नहीं किया गया था, लेकिन मिल्टन ने इसको ऐसे एक्सपेरिमेंट किया कि ये एटर्निटी को चला गया, मीन्स ये अनंत में चला गया, फेमस हो गया। उससे पहले पैराडाइज लोस्ट उन्होंने इसमें लिखी, इंग्लिश हीरोइक वर्स में जितने भी लिखे जाते थे, जितने भी एपिक वर्क है वो सब हीरोइक वर्स में लिखे जाते थे जो राइम होते थे, लेकिन मिल्टन ने ऐसा क्या किया कि पैराडाइज लोस्ट में ब्लैंक वर्स को यूज किया जो अनराइम्ड होता है, और उसने इसको एक तरह से परफेक्ट वे में यूज किया है एक वर्स के अंदर ड्रामा के बाहर। ऑफ हिज मेजर्स ही रिमेन्स आवर ग्रेटेस्ट मास्टर। अगर इस फीचर की उनके बात करके कैसे पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने एक वर्स के अंदर, वर्स पोएट्री के अंदर ब्लैंक वर्स को ऐसे यूज किया कि ये इस क्वालिटी के कारण ही उसको कंसीडर किया जाता है आवर ग्रेटेस्ट मास्टर, ये रिमार्क भी मैथ्यू अर्नोल्ड ने दिया है, आवर एक्नोलेज मास्टर एंड आवर ग्रेटेस्ट मास्टर। तो आई होप यू लर्न अ गुड फैक्ट फ्रॉम दिस, एंड वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर अबाउट अबाउट रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।